हेलो जी, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स विद रोज। आप सबका वेलकम है। एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं, दैट इज वर्ल्ड कप स्पेशल। और माफी चाहते हैं आपके लिए, हमने कुछ दिनों से बंद किया था ये वर्ल्ड कप स्पेशल। इसका कारण था एशिया कप 2023 और प्लस कोई भी स्क्वाड अनाउंस नहीं हो रहा था। आफ्टर दैट एवरीथिंग, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड, आफ्टर इंग्लैंड स्क्वाड, कोई भी आ नहीं रहा था। फाइनली साउथ अफ्रीका का स्क्वाड आया है और पाकिस्तान का भी स्क्वाड आया है बाहर। पाकिस्तान का अगले सेगमेंट में करेंगे, लेकिन आज के सेगमेंट में साउथ अफ्रीका करेंगे। क्या स्पेशल है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड कप के लिए? चलिए फिर बात करते हैं। दाविश भाई मेरे साथ हैं। दाविश भाई कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। बहुत अच्छा लगता है और आपकी जनता बहुत प्यार बरसाती है हमारे शो के ऊपर भी और आपके ऊपर भी। मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोग काफी बात कर रहे थे कि आपको आना चाहिए आना चाहिए, तो वापस आ गए हम। बिल्कुल जी, ऐसे ही आते रहेंगे। और ऐसे पॉडकास्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और दावेश भाई की पॉडकास्ट भी आप फॉलो करते रहिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो दावेश भाई, हमको पता है कि साउथ अफ्रीका इतने सालों से जीती नहीं है वर्ल्ड कप, क्या कारण है और क्या आपको लगता है इस बार है मौका साउथ अफ्रीका के पास? देखिए बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से इनका टीम का कॉम्बिनेशन है, बैटिंग अच्छी चल रही है और जिस तरीके से क्लासन फॉर्म में, क्विंटन डिकॉक अच्छे रन निकाल रहे हैं, टेम्बा बवुमा कप्तान, जो कि वर्ल्ड कप में कहा जाता है कि कप्तान जो है वो थोड़े से सीना तान के नहीं चल पाते, पर वो कप्तान जो है सीना तान के चला है बॉस वर्ल्ड कप के बाद से। उसके बाद हेनरी क्लासन आ जाते हैं, एडन मार्करम का पराक्रम जारी है, रीजा हेनरिक्स है, तो अच्छा स्क्वाड नजर आ रहा है। डेविड मिलर अंत में फिनिश अच्छा कर रहे हैं, मार्को येंसन अच्छी गेंदबाजी का लेफ्ट आर्म एंगल लेके आएंगे, और रबाडा रहेंगे जो कि कबाड़ा करने में बहुत एक्सपर्ट है, लुंगी सांगी एनगीडी तो हम सब जानते हैं। तो और एक बड़ा ब्रो है इस वक्त की, एंड्रिस नोकिया बाहर हो चुके हैं, तो ये न्यूज़ सुनकर आपको कैसा लगा ये पहली बार? दिल से दुख हुआ, क्योंकि ऑनरिक नोकिया जो गति से गेंदबाजी करते थे, खासकर वो जो स्लो विकेट्स रहने वाली थी ना, वहां पे बहुत मदद करने वाले थे। क्योंकि हमने आईपीएल में भी देखा था, जैसे हमने मार्क वुड को देखा था कि जो लखनऊ वाले विकेट्स होते थे वहां पे, वो जो स्किडी गेंदबाज होते हैं ना, जहाँ पे स्लो विकेट्स होते हैं, वो जो स्किडी गेंदबाज होते हैं ना जिनका पड़के तेज निकलता है गेंद, वो ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं स्पिनर से ज्यादा। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली। और एंड्रयू शॉ के आईपीएल भी खेल चुके हैं, तो उनको पास एक एक्सपीरियंस है कि कैसे बॉलिंग करते हैं डेड ओवर्स में। और यहाँ पर देखो, वर्ल्ड कप में जो भी प्लेयर्स आईपीएल खेल चुके हैं, मैंने भी बात किया था प्रीवियस पॉडकास्ट में विद तावेश भाई कि जो भी प्लेयर्स ने आईपीएल खेला है उनको मंथ मिलेगा। बिल्कुल तावेश भाई, आपको क्या मानना है कि जो भी प्लेयर्स आईपीएल खेल चुके हैं उनको पास एक्सपीरियंस होगा? देखिए बिल्कुल, और जिन लोगों ने आईपीएल नहीं भी खेला है ना, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ऐसी इंडियन विकेट पे कि किस तरीके से बैटिंग करे या फिर किस तरीके से बॉलिंग करे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फिर बहुत मजा आएगा ये विश्व कप के अंदर। और साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो हमेशा टक्कर देती है बड़ी टीमों को, और ये टीम जो है थोड़ा सा बेहतर लग रहा है पिछले साल के वर्ल्ड कप स्क्वाड से, क्योंकि यहाँ पे कप्तान के रन निकल रहे, वो जरूरी है। और एक बार कप्तान अगर सीना तान के चल गए तो फिर सामने वाली टीम को तनातन कर देते पूरी तरीके से। बिल्कुल, पहली बार चलिए फिर स्क्वाड देख लेते, उसके बाद एनालिसिस करते हैं डिटेल में। आपके सामने ये रहा स्क्वाड, साउथ अफ्रीका स्क्वाड फॉर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। बबुमा कैप्टन, कॉटजे डिकॉक, रेजा हेंड्रिक्स, मार्को जेंसन, हेनरिक क्लासन जो फॉर्म में है, महाराजा माकरम, डेविड मिलर जो मिलर कर देते हैं खत्म सारी टीम्स का, जैसे कि दावेश भाई ने कहा, निगेटिव आपके हैं फेलावाको जो एंड्रयू शॉकर के रिप्लेसमेंट के तौर में आए हैं, रबाडा, शामशी, वैंडर जोसन एंड विल्सन भी रिप्लेसमेंट के तौर में आए हैं। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछा हूँ दावेश भाई की, डिकॉक का ये लास्ट वर्ल्ड कप है, तो आपको लगता है ये बहुत जल्दी है उनके लिए? बिकॉज अभी 30 साल के हैं और 30 साल में रिटायरमेंट लेना बहुत ही शॉकिंग चीज है। देखिए बहुत है, बिल्कुल शॉकिंग न्यूज था जब हमने देखा था, वो खबर आई थी। और देखिए ना, यही तो फर्क होता है ना कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना और एक फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए क्रिकेट खेलना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक होता है, एक बड़े स्वाभिमान की बात होती है जब आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है आप अपना पैसा कमाने के लिए सब लोग खेलते हैं, पर एक थोड़ी सी कंट्री के लिए भी अगर खेलेंगे तो फिर थोड़ा और ज्यादा रहेगा। और यही वजह से फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को थोड़ी सी खोखली करती दिखाई दे रही है। बिल्कुल,
डिकॉक देखो फ्रेंचाइज की वजह से वो छोड़ रहे हैं, T20 लीग्स में आपको नजर आएंगे, और जितने भी क्रिकेटर्स ने अभी रिटायर लिया है कम उम्र में, उन्होंने सिर्फ लीग्स के चक्कर में लिया है। और भैया आपको खेलना चाहिए देश के लिए, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। हमको तो देखिए, हम यहाँ पर बैठकर चाहते हैं कि हम देश को रिप्रेजेंट करेंगे कहीं पर भी, एज अ आर्मी, एज अ क्रिकेटर, एज अ फुटबॉलर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, कहीं पर भी हम रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं। और आप इसी उम्र में 30 साल की जो आप टावर तो बैटिंग करते हैं, आप रिटायर हो रहे हो, दैट इज वेरी सैड। लेकिन आवेश भाई ने कहा कि देश को रिप्रेजेंट करना दैट इज वेरी बहुत ही अच्छी बात होती है। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आवेश भाई, कितनी आपको लगती है कोई प्लेयर आपको लगता है एस फैक्टर होगा वर्ल्ड कप में, इस स्क्वाड में? इस स्क्वाड में जो एक्स फैक्टर रहने वाले वो है तबरेज शम्सी, क्योंकि तबरेज शम्सी जो है वो तगड़ा बॉलर है यार। मतलब चाइना में ने, और जिस तरीके से लेफ्ट आर्म के सामने हमारी टीम फंसती है ना थोड़ी सी, और वो चाइना में बॉलर भी है, लेग स्पिनर भी है, हालांकि कुलदीप यादव उनका टैकल करवा देंगे। बहुत अजीब सी, आपने देखा होगा बहुत अजीब सी उनके एक्शन, कैसे बॉलिंग फेंकते हैं ऐसे, तो हाथ पड़ना जरूरी है, अगर हाथ से नहीं पड़ा तो फिर वो विकेट लेके जाएंगे, और ये जो टीमों के खिलाफ जो बहुत तगड़े साबित होने वाले वो होने वाले ऑस्ट्रेलिया के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने वो तगड़े होंगे, इंग्लैंड के सामने वो तगड़े होंगे, और खासकर जो श्रीलंका या फिर हिंदुस्तान के सामने भी थोड़े तगड़े हो सकते हैं और खतरनाक साबित हो सकते हैं तबरेज शम्सी। बिल्कुल, और केशव मालर जब भी इधर है टेस्ट में अच्छी बॉलिंग करते हैं, आपको क्या लगता है ओडीआई में भी इतनी कमाल की बॉलिंग रही होगी? देखिए केशव महाराज के साथ क्या है, एक आपको डिसिप्लिन देते हैं बॉलिंग में, और वो बहुत जरूरी होता है, भले ही आपके पास वेरिएशन कम है पर अगर आप एक टप्पे पे गेंद को गिरा सकते हैं ना तो बहुत जरूरी हो जाता है, बतौर गेंदबाज भी और बतौर कप्तान भी, कि आपको वो उस पर्टिकुलर फील्ड दी जाए। और अगर और केशव महाराज की सबसे अच्छी खास बात क्या है कि वो विकेटों पे रखते हैं, तो यू मिस आई हिट होने का चांस रहता है, और स्टेप आउट करके मारते हैं तो स्टंप आउट होने का भी डर रहता है। बड़े स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है केशव महाराज, और बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो एक अच्छे ऑलराउंड फैक्टर है ये टीम के लिए। बिल्कुल, और कॉर्जे ने जिस तरीके से स्विंग दिलवाया था साउथ अफ्रीका पिचेस में, मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉलिंग करेंगे इधर भी इंडिया में, तो आपका क्या टेक है दावेश भाई ऑन कॉर्जे, जिस तरीके से उन्होंने स्विंग को प्रोवाइड किया था साउथ अफ्रीका पिचेस में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बहुत दिक्कत परेशानी का क्रिएट किया था। लेट बी वेरी ऑनेस्ट, कॉर्जे को इतना जाने नहीं है, खेले नहीं है, तो वो एक खतरनाक साबित हो सकता है भारतीय टीम के लिए भी। दिलेरी वाला है, और जो दिलेरी वाले गेंदबाज होते हैं ना वो विकेट लेके जाते हैं, और नया बॉलर जो है ना भारत के लिए हमेशा खतरनाक साबित हुआ है, वो हर बार विकेट लेके गए। और आप क्या चाहते हो कि ये टीम टॉप फोर में जाएगी, सेमीफाइनलिस्ट बनेगी ये टीम? हाँ बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इनका स्क्वाड है हर बार एक मजबूत दावेदारी लेके आती है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट पर, अनफॉर्चुनेटली वो जो प्रेशर मोमेंट होते हैं ना जहाँ पे वो विन एंड विन वाली सिचुएशन आ जाती है, वहां पे ये टीम थोड़ी सी घबराती जाती है, और वहां पे मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए इनको, यहाँ पे थोड़ा और तगड़ा होकर खेलना चाहिए इनको, और इस बार मुझे लगता है, और इनकी किस्मत भी थोड़ी सी खराब सी लगती है, क्योंकि एक दफा मौका था इनके पास, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था हिंदुस्तान के साथ ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसमें भी बरसात आ गई थी, तो ऐसा नहीं है कि ट्रॉफी जीतती नहीं है, जीत सकते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, पर ये बरसात जो है वो बार बार आ जाती है, हर बार बरसात जो है वो आड़े आती है इनके। आई थिंक 2019 में भी वो सेम चीज हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, कि इंडिया के साथ मैच था उनका पहला गेम, कुछ हार गए थे बीच में, पहला गेम बांग्लादेश के साथ था, और नहीं बांग्लादेश के साथ थी, मतलब ये था कि लगातार तीन मुकाबले हारे थे ये टीम, एक बांग्लादेश भी था जिससे इनको हराया था। देखना पड़ेगा, वो मुझे याद नहीं है इतना, 4 साल 3 साल हो गए, लेकिन आपको क्या लगता है पहले का? क्लासन की बैटिंग, या उन्होंने आईपीएल भी खेला है और हमने देखा कितनी अच्छी स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे आईपीएल में, और इधर भी साउथ अफ्रीका में कितना ताबड़तोड़ बैटिंग किया, जंपा को तो यार पेल दिया,
बुरी तरह फेल दिया क्लासन जी ने, तो आपको क्या लगता है क्लासन इस बार क्या होंगे, मतलब स्पिनर्स के खिलाफ कैसे रोल ये निभाते हैं निभाएंगे? जो क्लासन की खास बात ये है कि वो स्पिन के सामने जिस तरीके से खेलते हैं, उनके गो थ्रू शॉट्स क्या है, एक तो रिवर्स स्वीप, और रिवर्स स्वीप जब कोई स्पिनर को खेलता है तो उससे जो स्पिनर का जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप गिर जाता है, क्योंकि रिवर्स स्वीप यानी आप आड़ा बल्ला घुमा रहे हो, वो भी उस स्पिनर के सामने जिसका कॉन्फिडेंस हाई है, तो आधा कॉन्फिडेंस तो वही खो जाता है गेंद पास। दूसरा ये स्वीप अच्छा खेलते हैं, स्लॉग स्वीप करते हैं, और इनके पास जो रिस्क की ताकत है वो बहुत शानदार है, फिर ये स्टेप आउट भी करते हैं, और ये इनका जो सबसे बेहतरीन चीज जो इनको बनाती है आक्रामक वो ये कि सीधा खेलने को देखते हैं अधिकतर, तो उसकी वजह से वो और ज्यादा बेहतर खतरनाक साबित हो जाते हैं। और जब इनके सामने शुरुआत में स्पिन आ जाए और फिर बाद में पेसर्स आ जाए, तो फिर पेस फैक्ट्री जो है वो आइस फैक्ट्री की तरह जाती है पूरी तरीके से ठंडी होके। बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल क्लासन वर्सेस स्पिनर्स होगा इस बार के वर्ल्ड कप में। बट क्या लगता है स्टार्विक भाई की कौन सा स्पिनर इनको दिक्कत पहुंचाएगी, कुलदीप यादव या कोई और स्पिनर फ्रॉम अदर टीम, कौन पहुंचा सकता है इनको दिक्कत? इनको दिक्कत पहुंचा सकता है लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स, क्योंकि लेग स्पिनर्स को तो क्या ये झेल लेंगे, जो चाइनामैन की बात की वो इनके लिए गेंद अंदर की तरफ आएगी, तो वो अपना वो मिड विकेट एरिया, डीप मिड विकेट वाला एरिया जो है वो नापेंगे, वहां से वो शॉट्स अच्छे भी लग सकते हैं, रिवर्स स्वीप भी अच्छा लग सकता है, स्वीप भी खेल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कई बार गुगली अगर आप डालेंगे तो वो पिचिंग आउटसाइड दी लेग होगा, तो LBW के जो चांसेस है वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा स्लो लेफ्ट आर्म बोलर जैसे कि जडेजा हो गए, एस्टन एगार हो गए, या फिर आपके पास कौन से है दूसरे स्पिनर्स, जो जैंपा हो गए, नहीं जैंपा लेग स्पिनर है और वो थोड़ा सा तेज डालते हैं, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर जो इंग्लैंड के मोइन अली, इंग्लैंड के मोइन अली, मोइन अली बहुत तकलीफ दे सकते हैं इनको राउंड द विकेट अगर आके वो गेंदबाजी करे तो, मोइन अली बहुत यस मोइन अली बड़े अच्छे स्पिनर है, वो ऑफ स्पिनर बहुत शानदार है, और मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर जडेजा वर्सेस जब हेनरी क्लासन रहेंगे तो किस तरीके से मुकाबला होगा, क्योंकि वहां पे ना ये रियल टेस्ट करेंगे, क्योंकि जडेजा अपना टप्पा छोड़ता नहीं है, वो तीन स्टंप के बीच में रखेगा, और जडेजा को स्टेप आउट करना मतलब आबेल मुझे मार मारना, और दूसरी बात जब सबसे तीसरी बात मेन आती है ना, ये उनको आड़ा घुमाने के लिए जाएंगे, और आड़ा अगर घुमाने जाएंगे और ये स्टंप्स अगर पे लग गए तो वो या तो LBW होंगे या बोल्ड होंगे, दैट्स इट। और इनकी मैं अभी देख रहा हूं एवरेज अगेंस्ट स्पिनर 132 की है, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट इनकी है, एवरेज है इन IPL 2023 अगेंस्ट स्पिनर, इस साल की जो IPL हुई उसमें कई बार हमने देखा स्पिनर्स के खिलाफ डोमिनेट करते हुए, तो के बिल्कुल क्लासन एक अच्छे बैट्समैन और अच्छे फिनिशर हो सकते हैं फॉर साउथ अफ्रीका। सो चलिए फिर हम लास्ट एंड करते हैं, तो आप इसमें प्लेइंग 11 पहले मैच के लिए क्या बनाते हो तवेश भाई, क्या प्लेइंग 11 होगा आपके हिसाब से? रीज़ा हेंड्रिक्स और टेम्बा बवुमा ओपन करते हुए नजर आएंगे, नंबर 3 पे क्विंटन डिकॉक आएंगे, 4 नंबर पे आपके पास आ जाते हैं एडन माकरम, 5 पे हेनरी क्लास है, तो रॉसी वर्नर डूसन भी देना, अरे ये समस्या रहती है सीरियसली, मतलब इतनी बेहतरीन टीम है ना कि इनकी बनाने में दिक्कत आती है, बट एनी टेम्बा बवुमा क्विंटन डिकॉक ओपन कर लेंगे, रीज़ा हेंड्रिक्स अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, 3 नंबर पे आपके पास रॉसी आ जाएंगे, राशि की भी फांसी लग सकती है ना जो देखा जाए तो, क्योंकि वो भी बड़ा अच्छा खेलते हैं स्पिन को, 4 नंबर पे आपके पास एडन माकरम आ जाएंगे, 5वें नंबर पे आपके पास हेनरी क्लासेन, 6 पे मिलर आ जाएंगे, 7 पे मार्को येंसन, 8 पे एंडी फुलाकोवायो, 9 पे तवरेश शमसी, 10 पे आपके पास आ जाते हैं केशव महाराज, और 11वें नंबर पे सुरापाड़ा। और आपकी बैटिंग पूरी है मतलब 8-9 तक तो बैटिंग है इनकी, फिनिशिंग बहुत अच्छी है इनकी, और जो साउथ अफ्रीका पिछले कुछ समय से हमने देखा है उनको करते हुए, खासकर जो स्टार्टिंग के 2 मुकाबले हारने के बाद जो उन्होंने बदलाव लाया था सोच के अंदर, वो सोच के अंदर अगर वो बदलाव ले आती है तो फिर बहुत खतरनाक टीम बन जाएगी, जो अटैकिंग क्रिकेट जो इंटेंट के साथ खेलना, हमने देखा था लास्ट के 3 मैच तो में 1 में तो 416 रन बनाए थे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो जो अटैकिंग इंटेंट रहता है खिलाड़ियों का तो वहां से वो मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है,
तो भली गेंदबाजी थोड़ी सी नपी थोड़ी रहेगी इनकी, क्योंकि कई खिलाड़ी इंजर्ड है, पर इनको मदद मिलेगा कोलकाता के मैदान पे हिंदुस्तान के खिलाफ। और अगर हिंदुस्तान ने स्लो विकेट बनाया तो फ्लैग ओवायो की जगह केशव महाराज आ जाएंगे और वो फंसा सकते हैं। और स्लो विकेट तो भारत बनाएगा नहीं साउथ अफ्रीका के सामने, क्योंकि खुद भी फंस सकता है भारत, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। शाम से भी बाकी बहुत अच्छा खतरनाक स्क्वाड बॉलर बना, लोग पिच बनाते हैं, तो ये भी देखता हूँगा आपको। बट ताबिश भाई, आप किसको मिस करोगे इस स्कॉट को देखने के बाद? किसको मिस करोगे? कौन से वो खिलाड़ी हैं? एबी डिविलियर्स, फैफ डु प्लेसिस। एबी डिविलियर्स खैर रिटायर हो चुके हैं, बट फैफ डु प्लेसिस भी बहुत रूमर्स थे कि वो वर्ल्ड कप स्कॉट में आएंगे, तो फैफ डु प्लेसिस का यहाँ पर जगह बनता है? बिकॉज बहुत सारे रूमर्स थे इधर। बनना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली बना नहीं। पर एक बात मैं बता दूं कि T20 फॉर्मेट और वनडे फॉर्मेट में ना थोड़ा सा जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल, पिछले कुछ और समय से वो खेलते आ रहे हैं वो T20 फॉर्मेट में। आपने बोला पेशेंस बहुत जरूरत है, पेशेंस बहुत जरूरत है। स्काई केस भी साथ हैं, पेशेंस की बहुत जरूरत है ओडिया में। इवन फाफ डुप्लेसिस बेहतरीन खिलाड़ी है ODI के अंदर भी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट पिछले कुछ समय से वो उनका जोन जो है वो T20 IS में चले गया, T20 में जोन चले गया। और अभी वो उस तरीके के फिटनेस भी नहीं है, मतलब इंजरी की वजह से फिटनेस नहीं है। हालांकि वो फिटनेस खिलाड़ी है, कैचेस तो वो उड़ता फाफ पकड़ते जिस तरीके से करते हैं वो, पर थोड़ा सा कहेंगे कि वो जो फिटनेस का इश्यू, जो इंजरी के इश्यूज रहते हैं इनके, रिब केज में थोड़ी सी चोट लगी थी IPL के अंदर भी, जिसमें उन्होंने 3-4 मैच मिस किए थे बतौर कप्तान, विराट कोहली थे उस टाइम पे कप्तान के तौर पे। तो ये देखना चाह रहा हूँ कि हल्का सा किस तरीके से वो खेलेंगे, किस तरीके से मैनेज करेंगे। सब चाहते हैं कि वापस आए, क्योंकि बहुत लेजेंड रहे टीम के लिए और बहुत बड़े बड़े काम किए इन्होंने, पर ये इज अ फैक्टर। और साथ में जो फिटनेस इश्यू, बिल्कुल, बिल्कुल, और जो साउथ अफ्रीका का थोड़ा डगमगाया था पिछले कुछ साल के अंदर, 2-3 साल पहले, वो एक ट्रांजिशन पीरियड था, वो निकल चुका है और उससे वो टीम बहुत उभर चुकी है। और यंग टीम ने, अपन अपनी यंग टीम, अपने एक्सपीरियंस टीम को हराया था साउथ अफ्रीका ने, ये भी ना बोल सकते हम। ओके। सो आपने ये स्क्वाड अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर लाइक कीजिए, शेयर करिए, और जहां पर भी आप देख लीजिए ये आप देख लीजिए तो प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और तावेश भाई के यूट्यूब चैनल सॉरी पॉडकास्ट को प्लीज सब्सक्राइब जाकर चेकआउट करिए, सुनिए। आप अच्छे अच्छे पॉडकास्ट बनाते हैं, और जैसे कि तावेश भाई मुझे बोल रहे थे कि 400 पॉडकास्ट ऐसे कुछ होने वाला है, तावेश भाई प्लीज उसके बारे में बताइए, 400 पॉडकास्ट। 400 एपिसोड होने वाले पूरे शो के, और वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच का प्रीव्यू। और ये तो सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। पहला बिल्कुल जो 100 लगाया था हमने, पहला जो शतक लगाया था वो IPL का चेन्नई वर्सेस मुंबई का मैच का था। दूसरा जब 100 लगाया तो वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप था। तीसरा जब 100 लगाया हमने तो फिर चेन्नई वर्सेस गुजरात टाइटन था पहला मुकाबला IPL का। और अब 400 और लग रहा है तो फिर इंडिया वर्सेस चौथा पाकिस्तान का। भी क्या बात है, 2 IPL में और 2 इंडिया वर्स पाकिस्तान में। तो ये तो सिर्फ आप लोगों का प्यार ही है, और इस तरीके से बरसाते रहिएगा प्यार। शो के 2,30,000 भी होने वाले हैं और इसी तरीके से चलते जाएंगे। 400 तो सिर्फ एक आंकड़ा है, हमें तो और ऊपर जाना है पूरी तरीके से। तो बिल्कुल आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। और बहुत सारे वोट किए इस बार हमारे शो के लिए आप लोगों ने, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अनफॉर्चुनेटली टॉप 3 में तो नहीं पहुंचा पाए अपने शो को, बट डिसेंट अमाउंट ऑफ वोट्स आ गए थे इस बार, तो ये तो प्यार है, बाबा जी का आशीर्वाद है। देखिए चेकआउट कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। दावेश भाई ना झुकेंगे ना रुकेंगे, आप के सामने होस्ट करते रहेंगे, जितने भी पॉडकास्ट आते रहेंगे। प्लीज आप वहां पर भी जाकर प्यार दिखाइए। वर्ल्ड कप में तो तावेश भाई आएंगे, जैसे कि मैंने वादा किया था प्रीवियस पॉडकास्ट में कि वो आएंगे हमारे साथ, वॉच अलोंग करेंगे, कमेंट्री करेंगे। तो थैंक यू तावेश भाई फॉर कमिंग इन, और आप बहुत बहुत ये टाइम गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जय हिंद जय थैंक यू। भारत। मिलते हैं जल्द विद अनदर वर्ल्ड कप स्क्वाड एनालिसिस। थैंक यू।